जय हिंद चैंपियंस, वेलकम टू द नेदर लेक्चर। तो हम लोग लक्ष्य बैच कर रहे थे क्लास ट्वेल्थ के लिए, इसमें चैप्टर टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। और पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जाना था। जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। लेकिन जो नहीं जाना था वो क्या है कि साइन थीटा बिलोंग्स करता है रियल नंबर के लिए। ये क्या होता है, रियल नंबर। जैसे साइन 30 की वैल्यू क्या निकल के आती है, 1/2, दैट इज रियल नंबर, ठीक है। ऐसे ही जब हमने कहा था कि साइन इनवर्स एक्स, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करते हैं तब इसकी वैल्यू क्या डिनोट करती है, ये बिलोंग करता है रेडियन के लिए। ये भी हमने पढ़ा था कि ये रेडियन के लिए आता है, ठीक है। तो यानी देखिए, साइन थीटा की वैल्यू रियल नंबर में बिलोंग्स करती है एंड साइन इनवर्स की वैल्यू रेडियन में, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हमें सीखना है क्या कि इसका डोमेन एंड रेंज। पहले हम जानते हैं डोमेन क्या होता है एंड रेंज क्या होती है। देखिए तीन चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन जो कि हमारे जो इनवर्स फंक्शन है, साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कॉसेक, ये हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है। एंड रेंज वो चीज़ होती है, रेंज एंड एक डोमेन पहले समझते हैं। डोमेन क्या होता है, जिसमें हम वैल्यू रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स है, एक्स क्या है, एक्स है यहाँ पे साइन इनवर्स का डोमेन, एक्स क्या है साइन इनवर्स का डोमेन। और एक्स की जो डोमेन है इसकी वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, एक्स की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, वही कहलाता है डोमेन। डोमेन समझ गए। यहाँ पे अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स भी एक्स होता है या वाई होता है तो वाई की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, डोमेन। और रेंज क्या होती है, जैसे पूरा फंक्शन हमारा है साइन इनवर्स एक्स, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे सेम उसी तरीका से साइन थीटा में भी यही होता है, ठीक है। साइन थीटा में यानी थीटा की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, उसका डोमेन। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो इसकी क्या कहलाएगी, रेंज, क्योंकि वैल्यू वेरी करती है ना। रेंज यानी एक फिक्स टाइम इंटरवल में फिक्स वैल्यू आती है। कैसे, अब हम समझते हैं ग्राफ से, फिर हम समझ पाएंगे, फिर इसके वैल्यूज लिखेंगे। जैसे हम कॉस का अगर साइन का ग्राफ बनाएं, साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं, कैसे बनता है सभी को पता है ना, फर्स्ट ईयर में सीखा होगा। इस तरीके से यहाँ तो जीरो होता है, जीरो, और यहाँ से स्टार्ट कहाँ से करना होता है, यहाँ से जीरो से। इस तरीके से चलता है साइन का ग्राफ, लेकिन माइनस में भी तो चलता है, यहाँ भी ऐसे ही चलता है, देख रहे हो, यहाँ वन जीरो रहता है, ठीक है, यहाँ जीरो रहता है और यहाँ क्या रहता है, पाई। देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ जीरो, यहाँ क्या होता है, पाई, और यहाँ पे हाफ पे पाई बाई टू होता है ना, हाफ पे पाई बाई टू। यहाँ पे क्या होता है, जीरो, यहाँ पे माइनस का पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का पाई बाई टू, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या आती है, यानी इसकी जो हाइट है, हाइट ये क्या है, माइनस का वन, नीचे जा रही तो माइनस का वन, अगर ऊपर जाएगी तो प्लस का वन। तो यानी हम देख सकते हैं, क्या कि इसकी जो रेंज है, रेंज यानी इसकी वैल्यू क्या आ सकती है, या तो माइनस वन आएगी, या आगे एक्सटेंड भी करें हम, जैसे यहाँ से यहाँ तक ले जाएँ, ठीक है, यहाँ तक लेके जा रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा, 3π/2, यहाँ पे 2π, लेकिन यहाँ जब नीचे आएंगे तो माइनस का वन, क्योंकि नीचे आ रहे हैं, ऊपर जाएंगे फिर से वन, देख रहे हैं कंटिन्यूसली, या तो वैल्यू माइनस वन आएगी, या तो वन आएगी, या इनके बीच में आएगी। तो यानी जो रेंज है साइन थीटा की रेंज क्या आती है, माइनस वन टू वन, यानी यहाँ से हम माइनस वन भी वैल्यू रख सकते हैं और वन भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जो कन्फ्यूजन है कि ये ब्रैकेट कौन सा है, इसका हम इनइक्वालिटी से कंफर्म कर देंगे। इनइक्वालिटी वाला चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, इसके बाद ही उसके लेक्चर डालेंगे, तो पढ़ लेना, इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ से माइनस वन एंड वन आ जाएगा। वैल्यू देखिए, रेंज क्या है, जो वैल्यूज़ आती हैं, क्या आती हैं, वैल्यूज़। क्या ये बताइए, क्या साइन थीटा की वैल्यू माइनस वन से छोटी हो सकती है? आप कहेंगे नहीं। क्या माइनस टू हो सकती है? नहीं। माइनस वन पॉइंट वन? नहीं। और क्या साइन थीटा की वैल्यू वन से बड़ी हो सकती है? क्या वन से बड़ी, यानी वन पॉइंट वन, वन पॉइंट टू, वन पॉइंट थ्री या थ्री टू फोर हो सकती है? नहीं। जो ये वैल्यू आई है वो रेंज हो गई, यानी साइन थीटा की रेंज क्या है, माइनस वन से वन, पॉजिटिव वन, ठीक। अब हम समझते हैं इसका डोमेन। डोमेन में हम क्या लेते हैं, डोमेन में वो वैल्यूज लेते हैं हम जहाँ से एक फिक्स वैल्यू आती है, जहाँ से फिक्स वैल्यू, यानी अगर हम देखें कि देखिए इसकी रेंज क्या है, माइनस वन, तो डोमेन क्या रख सकते हैं, डोमेन की रेंज होती है, रेंज इसकी भी कही जाएगी, रेंज इसकी भी कही जाएगी कि कहाँ से कहाँ तक इसका मान हम रख सकते हैं। यहाँ ये जो डोमेन होता है थीटा डोमेन होता है, यानी यहाँ थीटा की वैल्यू आती है, यहाँ थीटा की रेंज आती है, यहाँ किसकी रेंज आती है, थीटा की, जो एंगल लिया है हमने उसकी रेंज आती है, उसी को क्या कहते हैं, डोमेन। यानी थीटा क्या रहता है, हमारा डोमेन, और डोमेन की जो रेंज होती है वही डोमेन कहलाती है। यानी थीटा की वैल्यू हम कहाँ तक लेते हैं, थीटा की वैल्यू कैसे, जैसे पूरे साइन थीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस वन टू वन, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या है, साइन थीटा की सबसे छोटी वैल्यू माइनस वन। और तो थीटा की डोमेन यानी थीटा की रेंज क्या होगी, जहाँ पे सबसे छोटा पे माइनस वन आएगा, माइनस वन टू माइनस पाई बाई टू पे आ रहा है, यानी यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई टू, समझ में। यानी डोमेन में क्या कि सबसे छोटा डोमेन हम क्या ले सकते हैं, माइनस का पाई बाई टू। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, वन, जो हमें कहाँ मिल जाती है, पाई बाई टू पर, तो यानी पाई बाई टू। यानी हम कह सकते हैं साइन थीटा की जो रेंज होती है वो माइनस वन टू वन, एंड साइन थीटा का डोमेन होता है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। अब लेकिन इनवर्स में जब इनवर्स फंक्शन करते हैं तो ये हो जाता है चेंज, जो हमारा डोमेन होता है वो बिकम आ रेंज, एंड जो रेंज होती है वो बिकम हो जाती, यानी वो बन जाती है, बिकम्स डोमेन, ठीक है। इतना चीज़ समझ में आया, यानी साइन थीटा में जो डोमेन होता था वो साइन इनवर्स में क्या हो जाएगा, रेंज, और जो साइन थीटा में रेंज होती थी वो हो जाएगा डोमेन। समझ में आया, इतनी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम सारे फंक्शन की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले हम डालते हैं फंक्शन, और ये टेबल नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद चाहिए, ठीक है, और सभी प्रॉमिस करो कि हम याद करके ही आएंगे, ठीक। फंक्शन, फिर लेते हैं डोमेन को हिंदी में भी डोमेन कहते हैं, फंक्शन को फलन, एंड रेंज को परिसर या मुख्य मान, इसी को, अच्छा जो रेंज आई है वो प्रिंसिपल वैल्यू रिगार्डिंग डाउट जो है वो बाद में क्लियर करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे या कुछ एग्जांपल लेंगे, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। रेंज या इसी को कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। देखो फंक्शन क्या है, साइन इनवर्स एक्स, आप वाई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका डोमेन क्या आया, इसका डोमेन आया माइनस का पाई बाई टू से, आया है पाई बाई टू, ठीक। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ किया, डोमेन लिख रहे हैं ना, डोमेन हम लिख रहे हैं, तो डोमेन तो आएगा माइनस का वन, अरे डोमेन तो आएगा माइनस का वन एंड वन,
ठीक, डोमेन तो आएगा माइनस का वन एन वन, और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, रेंज पाई बाई टू, माइनस का पाई बाई टू से प्लस का पाई बाई टू, ठीक है। या इसी को एक तरीके से और लिख सकते हैं, वो इनइक्वालिटी में समझेंगे, ठीक है। कैसे कि आपने देखा होगा इसी को इस तरीके से लिखा होगा डोमेन में माइनस वन, किताबों में भी आया इसी तरीके से एक्स और ये, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। और इसको भी इसी तरीके से वाई या एंगल ले लेते हैं, ठीक है, वाई या एंगल ले लेते हैं, जो वैल्यू फिक्स वैल्यू आएगी, जैसे थीटा इज इक्वल टू हमने साइन इनवर्स एक्स मान लिया है, और सभी हम थीटा के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे हम थीटा वैल्यू रखेंगे, रेंज हमने बताया ना बिकम्स थीटा हो जाते हैं डोमेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी माइनस पाई बाई टू थीटा प्लस का पाई बाई टू, ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से या इस तरीके से बात एक ही है, ठीक है, कभी कन्फ्यूज नहीं होना कि इस तरीके से लिखा जाए या इस तरीके से, सेम ही है। अब जल्दी जल्दी अब हम लिख लेते हैं कॉस इनवर्स का, कॉस इनवर्स का भी सेम ही होता है, इसकी वैल्यू भी माइनस वन टू वन, एंड इसका रेंज, रेंज ध्यान रखना रेंज इसकी होती है जीरो एंड पाई, ठीक है। ऐसा करेंगे किसी लेक्चर में इसके ग्राफ साइन थीटा के और इनवर्स के भी जो 12 ग्राफ बनेंगे इसको समझा देंगे, ठीक है। अभी अभी केवल इसी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, उससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, ये केवल समझने के लिए प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, वहाँ से क्वेश्चन तो बनते नहीं हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए जो जिस जो इंटरेस्टेड होंगे उस लेक्चर को देख लेना, ठीक है। या चाहिए तो कमेंट कर देना कि वो लेक्चर लेके आओ, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी वो लेक्चर आ जाएगा। फिर हम लेते हैं टेन का, टेन इनवर्स, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन रहेगा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, एंड इसकी रेंज, अच्छा इसी को कहते हैं रियल नंबर, ठीक, इसी को रियल नंबर, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट रियल नंबर, क्योंकि कहीं कहीं जगह पे ये रियल नंबर भी मिल जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखाई दे रहा हूँ। और इसका जो रेंज रहेगी वो रहेगी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कॉट इनवर्स एक्स, इसका भी सेम रियल नंबर यानी सेम ही रहेगा, और इसकी रेंज रहेगी चेंज जैसे कॉस थीटा की है, जीरो टू पाई, ठीक है। आप क्या लेते हैं, अब बचा हमारा sec, sec x, sec इनवर्स x, इसका भी रहता है रियल, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज रहता है, रियल तो रहता है, रियल में अगर जीरो हटा दे, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है, यानी माइनस इनफाइनाइट टू वन, एंड यूनियन कर देते हैं वन टू इनफाइनाइट, जीरो इंक्लूड नहीं रहता है, ठीक है। फिर से इनफाइनाइट के आएंगे स्मॉल ब्रैकेट, और इसका रेंज जो होता है वो कितना होता है, इसका रेंज होता है पाई बाई टू नहीं होता है, इसका माइनस पाई बाई टू से इसका रेंज होता है जीरो टू पाई, लेकिन पाई बाई टू नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक। अब आते हैं कोसेक इनवर्स में, इसका भी ये सेम रहता है, ठीक, डोमेन सेम रहता है, रेंज में चेंज आता है माइनस पाई बाई टू से, ये रहता है पाई बाई टू, लेकिन इसमें जीरो नहीं आता, जीरो को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, इतना समझ गए। ये वाले टेबल कल याद करके आना और पता रखना, याद करने की ज़रूरत नहीं, ये पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, ठीक, समझ गए। तो इतना तो हम समझ गए, अब क्या करते हैं, अब हम इसकी डालते हैं प्रॉपर्टीज़, अब सीखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, तो हाइडिंग डालो प्रॉपर्टीज़ नंबर वन,
ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी से नहीं डेफिनेशन से हमने निकाली थी। अब इसकी रेंज भी लिखेंगे। फर्स्ट इज कि अगर साइन इनवर्स साइन थीटा हो, ये तो हमने पढ़ रखा है कि थीटा आएगा, लेकिन कैसे थीटा की वैल्यू, अब हमने क्योंकि हमें ये सिखाना था, इसके बाद हम प्रॉपर्टीज लाना चाहते थे कि थीटा बिलोंग्स कहाँ करेगा, थीटा बिलोंग्स करेगा थीटा रेंज में, क्योंकि हमें थीटा की रेंज लिखनी है ना, थीटा की रेंज, थीटा की जो वैल्यू आएगी, थीटा जो थीटा थीटा के मान क्या हो सकता है, थीटा का मान माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड नंबर कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स कॉस थीटा अगर हो तो आता था थीटा। अच्छा उल्टा भी ट्रू है, बताया था ना, उल्टा भी ट्रू है, लेकिन कैसे, हमने वहाँ पे देख लिया था कि ऐसे ऐसे कट जाता है और क्या होता है, कब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे थीटा क्या रहेगा, यहाँ पे थीटा रहेगा पाई जीरो टू पाई बाई जीरो टू पाई, ठीक है, यहाँ क्या थीटा रहेगा जीरो टू पाई, यहाँ पे थीटा जीरो टू पाई रहेगा। एंड थर्ड नंबर पे क्या आता है, टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा दिया जाए, हमें पता है यहाँ तो थीटा आएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू कहाँ से डिनोट रहेगी, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, ठीक है, ये थीटा की वैल्यू आएगी, ठीक है। फिर अब रखते हैं, अब क्या है फोर्थ, फोर्थ कॉट इनवर्स कॉट थीटा जो कल तो आएगा थीटा, लेकिन कैसे, यहाँ पे वैल्यू रखी जाएगी, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी जीरो टू पाई, पाई के बीच में। फिफ्थ सेक इनवर्स सेक थीटा, यहाँ भी थीटा आएगा, लेकिन थीटा की वैल्यू आएगी जीरो टू पाई, जीरो टू पाई तो आएगी लेकिन पाई बाई टू नहीं होगी, ठीक, जीरो टू पाई तो आएगी लेकिन पाई बाई टू नहीं होगी, ठीक है ना, समझ गया। अब क्या बचा सिक्स नंबर, कॉसेक थीटा, यहाँ भी थीटा आएगा लेकिन थीटा की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, लेकिन जीरो नहीं होगा, ठीक है, इतना चीज़ समझ गया। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर वन, रेंज डोमेन, ये इतना याद रखना। तो आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, ठीक है, पहले सारी प्रॉपर्टीज़ देन इसके बाद एग्जाम्पल कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये सब सीखेंगे, ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।